ओके तो यहाँ से हम लोगों को क्या हुआ है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्ट हो, क्योंकि प्रीवियस में हमने चेकआउट किया था, ये क्या था हमारा अप ट्रेंड, और इस लेवल से हम लोगों को मार्केट क्या था ना, चेंज था। और आप लोगों को जिसका भी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है आप इससे मिला के चेकआउट कर सकते हो। ओके तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से चेंज हो गया, एंड मैं आपको बार रिप्लेस यहाँ से दिखा दूँ। ओके ताकि आप लोगों को क्या हो, इजी वे में समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की ना स्ट्रक्चर मैपिंग में ही गलती है, एंड अगर आप लोगों की स्ट्रक्चर मैपिंग में गलत है तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वैलिड पुल बैक देखना है, अगर वैलिड में एक भी पुल बैक गलत है तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ना वो गलत हो जाएगा। इसलिए काफी काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको पता रहे। ओके तो यहाँ पे ना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ करेक्टर कोड हुआ है, इसका अगर हाई भी फाइंड आउट करेंगे ना आप लोग, तो हाई किधर मिलेगा, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इससे आगे देखो, इस लो से आगे की तरफ देखो, जो आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, चेकआउट करने में हम लोगों को पता लगा ये क्या है, हम लोगों का इसका हाई पॉइंट है। फर्स्ट आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, सेकंड आपका हाई, थर्ड पॉइंट आपको देखना है इसका लो। लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लेगा। तो क्लोजिंग देते ही आपके पास आपका क्या है, सबसे पहले इंड्यूसमेंट है, यू हैव इंड्यूसमेंट, क्योंकि मार्केट ने क्या कर रखा है, आपको ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है और आपके पास क्या है, ऑलरेडी इंड्यूसमेंट है, आपके पास क्या है, ऑलरेडी इंड्यूसमेंट है, जिससे आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, किसके लिए, कि हाँ मेरा लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। एंड अगर इस इंड्यूसमेंट को मार्केट लेता नहीं, मे बी आप पुल बैक चेक करो, अगर कोई और पुल बैक दिख रहा है ना, जैसे ये इसको लेगा ना मार्केट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑलरेडी लो कंफर्म कर देगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी है ना कुछ के अपना जो टेलीग्राम पे एंड डिस्कॉर्ड पे शेयर कर रहे हैं, तो वो इंड्यूसमेंट को गलत ड्रॉ कर रहे हैं। एंड सबसे पहला टॉपिक इंड्यूसमेंट है, तो उसको थोड़ा सीखिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेड मिल रही है बहुत सही मिल रही है गोल्ड में, एंड जरूरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ कि डेली ट्रेड मिलती है गाइस, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग डेली ट्रेड करोगे ऐसा कभी भी मत सोचो। और दूसरा, कुछ लोग सेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भी मैं आपका भी डाउट क्लियर करूंगा, पहले इसका मैं आपका स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करके अपना क्लियर कर लेते हैं हम लोग की गोल्ड का एनालिसिस क्या है, नेक्स्ट वीक हम क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें प्ले कर लेता हूँ कि मार्केट का क्या है। अभी देखो सबसे पहली बात आती है इस लेवल पे, क्या इस लेवल पे कोई भी पुल बैक है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का हाई नहीं लिया अभी तक। तो ये कहना एक सिंगल लेग में नीचे है, ये डायरेक्ट ना आप लोगों का सिंगल लेग में नीचे है, किस तरीके से कि मार्केट क्या है यहाँ से आपका सीधा नीचे है, एक भी पुल बैक इस तरीके से क्रिएट नहीं हो। कब होता, अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई लेती है, आप देख सकते हो किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया है, तो ये क्या है आपका कोई भी पुल बैक क्रिएट नहीं है, सिंपल सा यही आपका इंड्यूसमेंट है। एंड मेक श्योर, याद रखो जब भी ट्रेड करना है इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही करना है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, विदाउट इंड्यूसमेंट हम लोग अपनी ट्रेड नहीं कर सकते। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर विदाउट लिक्विडिटी आप लोगों ने ट्रेड किया, तो मे बी आप लोगों को क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं प्ले करता हूँ, दूसरी बात ये याद रखो, अगर मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे आ गया इतना, तो ये आपका किस तरीके से इंड्यूसमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आपका किस तरीके से इंड्यूसमेंट हो गया, फर्स्ट इंटरनल हाई, ये किस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट इंटरनल हाई हो गया, ये किसी भी लेवल से आपका फर्स्ट इंटरनल हाई नहीं होगा, बिकॉज ये लो सेफ है और सिंगल लेग में मार्केट सीधा आप लोगों का ऊपर जा रहा है, तो ये लो आपका क्या है एकदम सेफ है, तो ये इंड्यूसमेंट कभी भी नहीं हो सकता, इंड्यूसमेंट हमेशा पीछे की तरफ से मिलेगा आपको, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा, कभी भी राइट हैंड साइड से आप लोगों को इंड्यूसमेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो एक चीज याद रखो, क्योंकि ये जो है ना ये मार्केट का जो मूव है, आप लोग इसको सही ड्रॉ कर रहे हो, जैसे आपको वैलिड पुल बैक बताया ना, आप ये सही पढ़ रहे हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये बिल्कुल सही कर रहे हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये पुल बैक ले रहे हो ना, ये मैक्रो का है, एंड जो आपको फर्स्ट इंटरनल इंड्यूसमेंट बोला जाता है वो ये होता है, और ये कौन से पुल बैक है आपके, मैक्रो के। मैक्रो क्या होता है, सिंपल सा देखो, ये इसका हाई है, ओके एंड इसका अभी हम लो वेट कर रहे हैं, ओके लो एंड हाई के बीच होता है इंटरनल, इंटरनल हाई, जैसे ये इंटरनल हाई और ये इसका इंटरनल लो है, ओके तो इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं दैट्स कॉल्ड मैक्रो, और इसमें ही लोग क्या कर रहे हैं अपना इंड्यूसमेंट ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इधर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं क्रिएट होगा, कब होगा, जब इस लो को कोई ब्रेक कर देगा तभी कोई नया इंड्यूसमेंट क्या होगा आप लोगों का क्रिएट होगा, अगर इस लो को ही ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं, अगर आप नए इंड्यूसमेंट को गए ना, ये कोई सा भी इंड्यूसमेंट नहीं है, यही आपका क्या है अभी फिलहाल इंड्यूसमेंट है, यही आपका क्या है अभी इंड्यूसमेंट है। एंड मेक श्योर एक चीज याद रखो, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग मैटर नहीं करती, वीक भी स्वीप होगी तो भी आपको क्या हो जाएगा इंड्यूसमेंट इधर क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग कर दी, एंड अगर क्लोजिंग भी नहीं करता ना, मेक श्योर ये चीज याद रखो, अगर यहाँ से सिर्फ वीक भी मारता ना,
तब भी आपका लो कंफर्म हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी। अब हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, हम लोगों का लो। अब देखो ये लो कंफर्म हो चुका है, ये इसका हाई था, एंड ये आपके पास लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो ट्रेड करनी है ना, तो इंड्यूसमेंट से ऊपर फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं, इंड्यूसमेंट से ऊपर। ओके, ऑल आर मिटिगेट, सब कुछ क्या है यहाँ पे, मिटिगेट है, ऑल आर मिटिगेट। आपके पास कौन सा एक लेवल बचा है, अगर हम चेकआउट करेंगे फर्स्ट, ये जोन आपके पास क्या है, बचा हुआ है। ओके, ये वाला जोन आपके पास क्या है, बचा हुआ है, जहां से आपको क्या कर सकते हो, आप अपना सेलिंग लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड वन अगर हम चेकआउट करेंगे तो सेकेंड वन हमारे पास कौन सा है, ये वाला लेवल। सेकेंड हमारे पास कौन सा है, ये वाला लेवल। तो दो लेवल है, एंड तो ऑब्वियसली बात है आपका स्ट्रोंग लेवल है ये वाला, आपका स्ट्रोंग लेवल है ये वाला, एंड ये क्या होगा आपका एक ऑर्डर फ्लो पूरा ना यहाँ से ये वाला। और दूसरा इसकी मेन जो एक कैंडल है ये वाली, देखो इसमें मेन क्या चेकआउट करना है, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक में कि मार्केट मेक श्योर लिक्विडिटी स्वीप करे, जैसे इस कैंडल ने वीक स्वीप करी, एंड इम्बैलेंस बीच में इसके क्या है, इम्बैलेंस है। ओके, दूसरा जोन आपका ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल आपका जोन है, ये रेड वाली। ओके, ये वाली बियरिश कैंडल आपका जोन है, बिकॉज दिस इज इनसाइडेड, तो यहाँ से मार्केट डाउन आया, ये अप गया और ये फिर डाउन आया। कहने की बात है अगर आप पुल बैक देखो तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो अगर मैं चेकआउट कराता हूँ आपको, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप, तो ये जो बाइंग की मूव थी, ये जो ऑर्डर फ्लो होता है, इसको ब्रेक इस कैंडल ने किया। क्या ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, बिल्कुल भी मिटिगेट नहीं है। ओके, ये ऑर्डर फ्लो अभी तक क्या आपका मिटिगेट नहीं है। और दूसरा इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ये आपका जोन होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है तो पहले ऑर्डर फ्लो पे देखो, ऑर्डर फ्लो से अगर आप लोगों को ना कुछ रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है तो आप ऑर्डर फ्लो से ट्रेड करो, अगर ऑर्डर फ्लो से नहीं मिल रहा है तो आप अपना ऑर्डर ब्लॉक पे करो। दूसरा अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है तो पहला ऑर्डर फ्लो देखो, फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक देखो। ओके, बट अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है तब अपना क्या देखो, आप डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो मार्केट इस जोन में आया, तो इस जोन में आने के बाद सिंपल से आपको क्या करना था, यहाँ से अपने फाइंड आउट करना था किसके लिए, सेलिंग के लिए, कि कोई लेवल मिलता है तो आपको फाइंड आउट करना था। तो इस लेवल से क्या था, आपको इस तरीके का फाइंड आउट मिलना था। मेन जो हमारा आज का क्या है स्ट्रक्चर, जो हमने ड्रॉ करना है होल्ड का एनालिसिस, ठीक है। अब इधर ट्रेड आप लोगों को पता है किस बेस पे करना है, सभी को पता है और सबने भी इधर ट्रेड लिया है एटलीस्ट। तो आपको मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको चेकआउट करा रहा हूँ कि जब मार्केट क्या कर रही है, अभी मूवमेंट क्या दे रही है मार्केट, अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे लो को ब्रेक करे। अभी तक मार्केट ने क्या है, हमारे लो को ब्रेक नहीं किया है, अभी हम वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करे, हमारे लो से नीचे क्लोजिंग दे दे। अब क्या हुआ इधर, अगर हम देखते हैं अपने, सबसे पहले मैं यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है क्या, क्लियर, अभी हम चेक करते हैं। जी हाँ, मार्केट ने क्या किया है, हमें क्लोजिंग दे दी है, एंड हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है, क्लियर कंफर्म हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात आती है इसका इंड्यूसमेंट कहाँ है, क्योंकि इसका हाई तो कंफर्म हो जाएगा सिंपल से, हम देखेंगे इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, ये वाला। अब लो कंफर्म करना है ना, लो के लिए हमें क्या वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हम लोगों का एक बार इंड्यूसमेंट ले ले। इंड्यूसमेंट किधर है इसका, अगर अभी हम चेक करें, क्लोजिंग हो चुके है, वेयर इज इंड्यूसमेंट, तो अगर हम इंड्यूसमेंट देखेंगे तो ये वाला। एंड अगर आपको ये सही लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, बेशक मार्केट ने आपकी प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, बट दिस कैंडल आर इनसाइडेड, ये ऑल्सो इनसाइडेड है, तो आपको जो मेन इंड्यूसमेंट है किधर है, ये आपका इंड्यूसमेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पुल बैक्स की वीडियोस को अच्छे से देखो, देखने में काफी इजी लगता है कि हाँ ये तो काफी इजी है सर ने इतनी इजी वे में बताया, बट जब करते हो ना ऐसी ही गलती दिखती है। लोग प्रीवियस कैंडल का देखते हैं बट वो प्रीवियस कैंडल नहीं देखते, क्या ये सही कैंडल है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं यही सही कैंडल है, तो ना लोग वो फाइंड आउट नहीं करते कि ये सही कैंडल है जिसका प्रीवियस लो ले रहे। तो मेक श्योर ये चीजें आप लोग ना अच्छे से याद रखो, ताकि आप लोगों को पता रहे कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो सही भी है या नहीं, और लोग ना यही गलती कर रहे हैं मैक्सिमम, तो इसलिए यहाँ पे मार खा रहे हैं लोग। एंड दूसरा ये कोई पुल बैक नहीं, बिकॉज ये एक पुल बैक लिया है बट इसका लो ब्रेक नहीं करा, तो ये कोई भी आपका क्या है, हाई नहीं है फिलहाल।
अभी हम वेट कर रहे हैं, या तो इस लो को ब्रेक करके न्यू हाई क्रिएट करेगा। ओके, अब क्या हुआ इधर देखो, अगर हम इधर चेक करते हैं, मार्केट ने इस लो को कर दिया है ब्रेक। मार्केट ने क्या कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, और ये कौन सा आपका फेक व्यू ऐसे। ओके, बिकॉज लो कंफर्म नहीं था तो फेक व्यू से। अब जो आपका इंड्यूसमेंट था ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर हम चेक करेंगे ये हो जाएगा इधर शिफ्ट। अब इधर शिफ्ट क्यों किया है, अगर मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप गया, अब जाने के बाद मार्केट डाउन आया, इस कैंडल का हाई लिया ना, मार्केट ने इस कैंडल का हाई लिया, तो ये क्या हो गया, वैलिड पुल बैक। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं जो मार्केट की मूवमेंट है, मार्केट ने क्या किया, ये नीचे की तरफ ड्रॉप दे दिया। तो फर्स्ट इंटरनल हाई ये आपका था, जिस कारण क्या आएगी, अब आपका इंड्यूसमेंट हो गया, इस इंड्यूसमेंट को लेगा मार्केट, तो आपको क्या हो जाएगा, लो कंफर्म हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, लो इधर कंफर्म हो जाएगा क्लियर ब्रिज में। तो इधर अगर हम चेक करते हैं, ओके, अब देखो आपका लो कंफर्म हो चुका है इधर, हाई एंड लो आपके पास कंफर्म हो गया। अब बात आती है इधर ट्रेड करने का। तो देखो इधर अगर ट्रेड फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इसका हाई पॉइंट है इधर, मेक श्योर आप इसको क्या चेक करो, हाइज। तो सबसे पहले अगर हम सेलिंग देखेंगे, तो इस हाई लेवल पे अगर मार्केट आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, दूसरा दिस इज ऑल आर SMT, जस्ट इंड्यूसमेंट से अबव साइड अगर हम चेक करेंगे अपना, सबसे पहले इंड्यूसमेंट से अबव जोन चेक करेंगे। अगर इंड्यूसमेंट से ऊपर जोन देखना है, तो हमारे पास कौन सा जोन है, ये वाला जोन है, जहां से हम क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे, डिसीजन पे आ गया। बट एक चीज इधर याद रखो, इधर क्या हुआ है ना, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है, इधर क्या हुआ है, हमारा जो इंड्यूसमेंट है ना वो स्वीप हुआ है। क्या हुआ है, हम लोगों का इधर इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है, ये जो है ये क्या हुआ, हमारा स्वीप हुआ है। तो जब भी इंड्यूसमेंट स्वीप होता है ना, तो स्वीप होने के बाद मेक श्योर याद रखो, इस कैंडल ने स्वीप किया तो दैट्स योर ओबी, अब ये आपकी ओबी हो जाती है। अगर स्वीप होता है, क्लोजिंग देता है, तो आपको वेट करना है डिसीजनल पीआईओ एक्सट्रीम का। बट अगर स्वीप होता है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, एंड टारगेट आपका यही रहता है, एंड मेक श्योर यूज ऑलवेज ब्रेक इवन। तो इधर अगर आप देखोगे तो देखो क्या हुआ है, मार्केट ने आपका टारगेट हिट कराया, सेकेंड वन डेट्स कॉल अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन क्या, लो से नीचे हो गया, तो क्या हो गया आपका ब्रेक, बट इट्स फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी क्या है ना, ये फेक है, ये रियल कब होगा, व्हेन मार्केट क्लोजिंग इससे नीचे क्लोज करते, क्योंकि इसने स्वीप किया तो इससे नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए थी। अब इसको भी स्वीप कर लिया तो हमें किससे नीचे क्लोज चाहिए, इससे नीचे। जैसे इससे नीचे हमें कुछ क्लोजिंग मिलती है, हमारा सिंपल से ये जो फेक है, अभी इसको मैं फेक ही लिख लेता हूँ, ये किसमें हो जाएगा, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, जब हमें क्लोजिंग मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, ओके सिंपल क्या हुआ है, क्लोजिंग हमें मिल चुकी है इधर। जैसे हमें क्लोजिंग मिल गई, ये किसमें बदल गया आपका, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्या हो चुका है आप लोगों का, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब आपका हाई कौन सा रहेगा, देखो ना लोग क्या करते हैं ना, इसको अगर आपने देखा होगा, मैक्सिमम यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि ये लोग यहाँ शिफ्ट होगी, ये लोग यहाँ शिफ्ट हो, अब ये इसको लिखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हाई लेते हैं इसको, ये बिल्कुल गलत होता है। ओके, सिर्फ लो आपका शिफ्ट हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ क्लोजिंग लिखनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही वाला पॉइंट होगा, और हाई इसका यही रहेगा जो इससे सबसे हाईएस्ट था। ओके, ये चीज याद रखनी है, ये बहुत कम है कि लोग बता रहे हैं, लोग इसी में गलती कर रहे हैं। तो ये इसका हाई था, एंड अगर इसका लो कंफर्म करना है, तो मेक श्योर आपको किसका वेट करना पड़ेगा, कि मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट ले। तो वेट इज अवर इंड्यूसमेंट, दिस इज आवर इंड्यूसमेंट, विदाउट इंड्यूसमेंट कभी भी ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज इंड्यूसमेंट एक्ट लाइक अ लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी है, विदाउट लिक्विडिटी हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी हम चेकआउट कर लेते हैं, एंड अभी तक सेफ है हमारा इंड्यूसमेंट, बिकॉज मार्केट आर माइक्रो स्ट्रक्चर, मार्केट क्या हमारे एक माइक्रो स्ट्रक्चर में, अगर इंड्यूसमेंट लेता है तो ठीक है, नया क्रिएट करता है। ओके, मेक श्योर आप कहोगे आपका इंड्यूसमेंट इधर शिफ्ट, क्यों, बिकॉज पहले इंड्यूसमेंट ये था और उसका लो ये था, बट अब लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इधर, दूसरा फेक स्ट्रक्चर देके, तो जो इंड्यूसमेंट था यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, अब मार्केट अगर इंड्यूसमेंट लेगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे, अगर इसको भी नहीं लेता तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट। जैसे अगर इसको मान लो ले लिया सिंपल सा, तो लो कंफर्म नहीं लिया, न्यू क्रिएट कर दिया तो न्यू हो जाएगा, इसको भी नहीं लिया न्यू क्रिएट करा तो न्यू ले लेंगे हम, सिंपल है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। इसको अभी हम चेक करते हैं, ओके ओके, आप देख सकते हो अगेन बैक टू बैक मार्केट ने क्या करा, एक और फेक दे दिया, एक और क्या कर दिया आपको, फेक स्ट्रक्चर दे दिया। तो सिंपल सा फेक स्ट्रक्चर देने के बाद
एंडोजमेंट इधर, ये वाला मैंने क्यों लिया, बिकॉज एक वैलिड कूल बैक है, सबसे लोएस्ट कैंडल ये है और इसका हाई ये है, दिस इज अवर वैलिड कूल बैक, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके आप देखो इधर इंड्यूसमेंट हो गया, क्यों इधर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट डायरेक्ट नीचे आया, सबसे लोएस्ट कैंडल ये वाली थी, इस कैंडल का हाई ले लिया, तो क्या मतलब वो ये एक पुल बैक क्रिएट कर दिया। अब ये हाई कब होगा, जब ये वाले लो को ब्रेक करेगा, तो ये एक रियल पुल बैक क्रिएट हो चुका है एंड दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। तो ये क्या था हमारा इंड्यूसमेंट, एंड वी कैन वेट मार्केट क्या करे हमारा इंड्यूसमेंट को ले ले। ओके मेक श्योर मार्केट ने क्या इंड्यूसमेंट ले लिया। दूसरा यहाँ पे क्या नया है, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग होगी, तो अब देखेंगे हम इंड्यूसमेंट से ऊपर, तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, अब लो हमारे पास ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंफर्म लो कंफर्म हो गया। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक्सट्रीम जोन फाइंड आउट कर लो अपना, एक्सट्रीम मिटिगेट स्टिल मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट, कौन सा जोन हमारे पास यहाँ पे बच रहा है अगर हम चेकआउट करते हैं। दिस इज इनसाइड कैंडल, एक मिनट, ओके इसको ब्रेक कर लिया इसने, यही है कि क्योंकि ये इसको ब्रेक कर चुकी है ये, और सेकेंड इंड्यूसमेंट से अब, इंड्यूसमेंट से अब अगर आप देखोगे तो ये इम्बेलेंस नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना दिस इज योर डिसीजनल, दिस इज एक्सट्रीम हाई, ये क्या है आपका एक्सट्रीम हाई है एंड दिस इज डिसीजनल पी आई है, बोथ आर दिस इज 50-50, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, कंपेयर दिस डिसीजनल जोन। ओके इसके कंपेयर करेंगे तो ये हाई प्रोबेबिलिटी आपका जोन है एंड ये आपका 50-50, तो ये दो जोन थे एंड सेकेंड ग्रुप में जो आया था आफ्टर उस पे कुछ डिसीजन पे आयो था, तो ये डिसीजन नहीं है, ये एक्सट्रीम पे आई है बिकॉज हाई के पास यही है और डिसीजनल ये थी क्योंकि वैलिड पुल बैक यहाँ था, इधर हमने शिफ्ट किया, अब इधर कोई इम्बेलेंस नहीं था जिस कारण हमारा जोन डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये हमारा क्या था डिसीजनल जोन। एंड दूसरा इधर अगर मैं एक ये लगाता हूँ आपको, इधर मैं बताना चाहूंगा, ये मैंने इंडिकेटर लगाया लिक्विडिटी, इस चीज को समझना एज पर 5 मिनट, मैंने ये आपको वीडियो में भी बताया ऑलरेडी, तो वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि वीडियोस में क्या है और किस तरीके से मूवमेंट करता है। ओके एंड मे बी 11th या 12th टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी, उसमें भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ कि किस बेसिस पे आपको यहाँ पे देखना है एंड क्या क्या इधर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके इधर सब कुछ आपको बताया, सबसे पहले हमारे पास 15 मिनट का जोन है, हम 5 मिनट में, ओके एंड इधर क्या हुआ है ना, क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग हमें दे दिया और ये हमारा जोन था, अगर हमें ट्रेड करना था ये हमारा जोन था फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ओके एज पर सेशन लिक्विडिटी हुआ क्या है ना, एसिड हिट हुआ है, बट एसिड हिट क्यों है, मेन बात आती है एसिड हिट क्यों आए, क्योंकि देखो जस्ट बिलो इट ये एक जोन था जो एक्सट्रीम पे, ये भी अनमिटिगेटेड था, ये जो एक जोन था ये भी क्या था हमारा अनमिटिगेट था। सेकंड एज पर 5 मिनट सेशन लिक्विडिटी बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, बट क्या था ना जस्ट ये आपकी क्या थी एक लिक्विडिटी थी जिसको हम कह सकते हैं क्या इंजीनियर लिक्विडिटी, बिकॉज नीचे जोन एकदम बॉटम पे क्या था खाली था, एकदम अनमिटिगेट जोन था, तो मुझे को यहाँ से मेन मूवमेंट लग रही थी, ये मैं कैच नहीं किया हूँ एंड इधर कैच करके कोई फायदा नहीं था, बिकॉज देखो एज पर लिक्विडिटी सही है, आपने सोचा कि ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया बट आपके जोन में नहीं आया एंड फिर अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया एंड सेकंड फिर क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने न्यू क्रिएट करा, तो ये आपने ये इंड्यूसमेंट लिया, ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको भी फॉलो नहीं करा, अगेन ब्रेक कर दिया, तो ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, तो उसके बाद ये जोन हो गया था। और दूसरी बात, लोग जो कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं सबसे ज्यादा कि सर मार्केट अप ट्रेंड है सेशन में या डाउन ट्रेंड है, उसको चेक करने के लिए देखो अगर तो सिंपल आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मेक श्योर ऐसा कुछ नहीं, डेली ट्रेड करना है, आपने देखा होगा बहुत टाइम बिल्कुल क्लियर दिखता है जोन की मार्केट अप जा रहा है मार्केट डाउन जा रहा है, ओके बहुत टाइम क्लियर दिखता है आपको ये चीज ना, क्या दिखती है एकदम क्लियर दिखती है। दूसरा इसमें आपको मैटर करती है कैंडल क्लोजिंग, क्या मैटर करती है आपको कैंडल क्लोजिंग, आप देखो जो आपका कैंडल है मतलब सेशन का जैसे हाई है एग्जाम्पल, आपका जो सेशन का हाई होता है वो चीज चेक करो, या इसको जूम आउट करके देखो, मान लीजिए यहाँ पे ये है जैसे आपका ये वाला हाई, इससे ऊपर क्या होता है कैंडल बॉडी के साथ क्लोज होती है, मतलब जो
इसका एशिया का हाई है, उससे ऊपर कैंडल बोर्ड के साथ क्लोज होते हैं, तो एशिया क्या आपका बाय। ओके एशिया क्या आपका ऑलरेडी बाय, और आपको क्लियर दिख रहा है एशिया क्या आपका बाय, क्योंकि ओपन यहाँ से हुआ और उसके बाद मार्केट आपका बाय है, क्लियर दिख रहा है वैसे भी हमें बाय। एंड दूसरा, अगर ये इसके इनर साइड होता है, इस हाई और इस लो के बीच में खुलता है एशिया आपका, सॉरी लंदन यहाँ पे खुलता है, तो आपको वेट करना है कि या तो हाई को क्लोजिंग दे तो कंटिन्यूशन मिलेगा, या स्वीप करे तो रिवर्सल मिलेगा, वेट करना है। ओके ये चीज याद रखनी है आपको, क्या करना है वेट करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है सेशन का जो हाई होता है ना हमारा, जैसे ये हमारा हाई है, सेशन का जो हाई होता है उसको मार्क कर लो आप लोग, मार्क करने के बाद सिंपल उसे 30 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ये 5 मिनट में आपको कंफ्यूज करता है। सिंपल आपने सेशन का हाई मार्क किया होता है, 30 मिनट में शिफ्ट हो गया, अब 30 मिनट में मार्केट वैसे ही चलता है जब तक सेशन की कैंडल का हाई के ऊपर है, तो ये जैसे आप लोगों क्या है हाई है, अब जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है कि ये हाई है ये लो है, अब आपको क्या देखना है कि नेक्स्ट सेशन क्या कर रहा है, नेक्स्ट सेशन इससे अपर साइड जा रहा है, ये जो सेशन है ना ये अपर, और सिंपल से 30 मिनट में देख लो मार्केट क्या अप ट्रेंड है, 5 मिनट में कुछ दिखेगा ये देखो 5 मिनट में। तो इसमें ऐसा तो कुछ कंफ्यूजिंग वाला नहीं है कि इसमें कोई अलग से मैं आपको बताऊं ऐसा कि हाँ यहाँ पे ये देखना है या वो देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा अलग से बताने लायक नहीं है, सेशन लिक्विडिटी में लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर तरीके से कि जो सेशन है वो बाय है सेल है क्या है। तो मेक श्योर ना यही चीज याद रखो, अगर तो कंफर्म है कि आपको क्या करना है सेल करना है बाय करना है तो ठीक है, नहीं हो रहा है कंफर्म तो मैं आपको कहता हूँ डेली ट्रेड मत करो, जब आप एकदम कंफर्म हो तभी ट्रेड करो, क्योंकि जो कैपिटल होती है लोगों का, जो मेहनत का पैसा होता है वो फिर बिना मतलब के डूबता है, लोगों को नहीं पता है किस बेस पे ले रहे हैं, बस ट्रेड लेना है ये पता है, मत करो ये चीज। ठीक जिस दिन क्लियर है, जैसे ये क्लियर दिख रहा है क्या ये सेशन अप है, बिकॉज ये ओपन था और इससे ऊपर ही चला गया, ओके फिर ये ओपन था और इससे ऊपर ही चला गया मार्केट, तो ऑलरेडी ये बाय 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 था, एंड सेकेंड वन आपका सेलिंग लेवल था, एंड सेलिंग लेवल कहाँ से देख सकते थे आप, एंड बाय सेशन में सेलिंग कहाँ से देख सकते थे सबसे पहले, तो ये एक लेवल है जिधर से हम एंड बाय में क्या देख कर सकते थे, सेलिंग लेवल क्रिएट कर सकते थे कि हाँ, तो इधर अगर हमें एंड बाय सेशन के लिए सेलिंग करना है ना तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एंड बाय सेशन ये ओपन हो गया, ओके जोन में भी आ गया एंड बाय सेशन, अब कुछ लोगों का दिमाग हुआ था कि बाय गया, ये बाय नहीं है, ये अभी तक बाय ही नहीं है, देखने में बाय बट दिस इज नॉट प्रॉपर बाय, अभी ये देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, वी कैन वेट कि मार्केट इससे नीचे कोई कैंडल क्या करे हमें क्लोजिंग दे, तो अभी हम चेक करते हैं इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल इनसाइड, ओके क्लोजिंग दे दी, दिस इज योर एस सी ओ वी, क्या ये अब आपका एस सी ओ वी है, ये क्या बन गया आपका एस सी ओ वी, 30 पिप का जोन है एंड टारगेट आपका इस सेशन का लो रहेगा। ठीक है तो ये आपका क्या एस सी ओ वी, ओके जोन में टैप कर लिया, एडिशनल कंफर्मेशन वो ले सकते हो रिस्क को कम करने के लिए, वी कैन फाइंड अवर अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये एक बचा हुआ टॉप पे, क्या बचा हुआ हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ टॉप पे, टॉप पे क्या बचा हुआ हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ जिधर हम क्या कर सकते हैं सेलिंग। एंड ये सारा ना आप लोगों को वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बट आप लोग वीडियोज देखते नहीं, आपको क्या है बस ट्रेड करना है, ये सब मैं ऑलरेडी वीडियोज में क्लियर बता चुका हूँ, अगर बिना स्किप करे करे आप लोग देखोगे के साथ देखोगे या ऐसा करो कि एक ही दिन में निपटाना है, नहीं समझ आएगा, आगे तभी बढ़ो, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आगे तभी बढ़ो जब पिछला क्लियर है। अब देखो ये बन गया हमारा एस सी ओ वी, ओके अब सिंपल से देखो जो 30 पिप का था जोन, आप कितने पिप को गया हो, मे बी 10 पिप का, 30 पिप से कितना हो गया आपका 10 पिप का जोन आपका हो चुका है ऑलरेडी, अब क्या हो चुका है आपका 10 पिप का जोन हो चुका है, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड दिस इज योर टारगेट, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड आपको इजी वे में अचीवमेंट हो रहा है 1:5 का, तो इधर हम चेक करते हैं, ओके एंटर हो चुके हैं हम, एंड अगर हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा सेल भी दिया है। ठीक है यहाँ से मार्केट ने क्या किया आपको अच्छा खासा सेलिंग दिया है, और इसको भी देखते हैं हम, M5 में कर लेते हैं, इसमें ज्यादा समय लग रहा है M5 में, देखो ना तो सिंपल था ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी आप लोग अपने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियोस में मैं दे चुका हूँ, तो इसमें बार बार बता के कोई भी फायदा नहीं कि बार बार आपको एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा है उसको देखो ये देखो वो देखो, तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ ये, आप लोग नहीं देखते। दूसरा अब क्या हो चुका है हमारा टीपी हिट, मतलब क्या हो चुका है हमारा टीपी हिट,
और मेन टारगेट तो हमारा ये लो रहता, बट लो से पहले एक्चुअल में हुआ क्या है, मेन टारगेट तो ये लो रहता, बट एक्चुअल में हुआ क्या है ना, ये एक जोन अनमिटिगेट था, ये एक जोन अनमिटिगेट बचा हुआ था, काउंटर ट्रेड मिटिगेट 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 मिटिगेट, स्टिल ये एक जोन अनमिटिगेट था जिसमें मार्केट आया था। एंड ये बाय का आपको उसमें भी डाला गया था ग्रुप में, ठीक है, यहाँ से बाइंग कर सकते थे, किस पर्पज से आप बाइंग कर सकते थे, दिस इज रिस्की ट्रेड बिकॉज एक लेवल था। एंड अगर आप देखोगे H1 में, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो इधर कुछ भी नहीं दिखेगा, इधर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जस्ट कहाँ दिखेगा, इस लेवल पे दिखेगा आपको पीछे एकदम, ये वाला, ये क्या था, H1 का डिमांड था, दिस इज लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से, और H1 के डिमांड में था, जिस कारण यहां से हमें बाइंग देखना था, क्योंकि 15 मिनट स्पोर्ट नहीं होगा, 1 आवर के डिमांड में टैप है, तो 15 मिनट का हम ऑलरेडी क्या है, 15 मिनट में हम सेलिंग लेवल्स पे बैठे हैं, 15 मिनट में क्या बैठे हैं, सेलिंग लेवल पे, बट इधर H1 के डिमांड को टैप कर रहा हो, H1 आप लोगों को पता है H1 कितनी बड़ी सप्लाई होती है, तो H1 के डिमांड लेवल पे था। एंड हमको क्या देखना था H1 पे आने के बाद कि मार्केट क्या है, हमारे H1 में आ गया है, H1 से डिमांड से आपको पता है ऑलरेडी, जब डिमांड में आया मार्केट, ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या हो चुका है आपका, इधर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, क्योंकि H1 का M15 या M5 में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलो ये H1 का डिमांड था, मार्केट कम इन जोन एंड दिस इज इनसाइड, दिस इज लेवल अवर चेंज ऑफ करेक्टर, आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर वी कैन वेट फॉर इंड्यूसमेंट की मार्केट क्या करे, हमारे इंड्यूसमेंट ले, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ले लिया था, आफ्टर इंड्यूसमेंट जोन आर फर्स्ट जोन एंड सेकंड जोन, सिर्फ दो ही जोन हमारे पास क्या थे, बचे हुए थे, दिस इज डिसीजनल दिस इज एक्सट्रीम जोन, ये किस बेस पे आपका, H1 बेस पे, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, लिक्विडिटी ली इंड्यूसमेंट, एंड फिर यहाँ से हमने क्या करा, बाइंग पोजिशन किया कहाँ तक, M15 के जोन तक, क्योंकि M15 का क्या था आपका सेल था, इधर M15 का क्या था आपका सेल था ऑलरेडी, तो ये चीज देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ये चीज देखो, क्योंकि ये H1 के डिमांड में आने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, इंड्यूसमेंट लिया, ओके, एंड सेशन बेस पे ये कोई ट्रेड अगर होता, मेक श्योर पहली बात तो देखो बाय बाय, तो ये सेल था और ये सेल दिया, तो यहाँ से कोई बाय का तुक नहीं था कि ऐसे बाय ले, बट हाँ क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है तो बाय ले सकते थे, बट H1 बेस पे, ओके, तो इधर H1 का ये न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा था, जिस कारण H1 के डिमांड ने सीधा जाके क्या करा था आपको, टारगेट दिया था, क्या करा था, डायरेक्टली आपको टारगेट दे दिया, सेकंड टारगेट देने के बाद आप लोगों का अब हुआ क्या है, ये आप लोगों को टारगेट दे दिया, देन अब क्या करनी थी, सप्लाई, क्योंकि हम 15 मिनट के ओबी को भी तो टैप किया है ना, तो 15 मिनट के ओबी को टैप करने के बाद दिस इज आवर चेंज ऑफ करेक्टर, ये क्या हो गया हम लोगों का, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर दिस इज आवर इंड्यूसमेंट वी कैन वेट फॉर एक्सट्रीम वन जोन, दिस इज 1 मिनट हो गई, एंड नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, मार्केट ने अभी हमारा इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, ओके, अब मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट भी ले लिया, अगर आपको मैं इधर ध्यान से दिखाता हूँ जूम करके, मार्केट डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अरे दिस इज इनसाइडेड, एंड ये आपका क्या था, इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने जैसे ये इंड्यूसमेंट लिया एज पर 1 मिनट, तो इस लेवल पर ट्रेड करनी थी, बिकॉज दिस इज नॉट पुल बैक, राइट पुल बैक, ये वाला एक पुल बैक था एंड जस्ट इससे ऊपर हमारा जोन था, तो ये आपको पता है दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, क्योंकि ये आपका क्या है, SMT हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अबव एक्सट्रीम जोन है, और एक्सट्रीम जोन से आपको क्या करना था, अपना अलग ही तरीके का, आपको पता है एक्सट्रीम जोन से आपको क्या करना था, सेलिंग लेना था, एक्सट्रीम जोन से आपको क्या लेना था, अपना सेल लेना था, और सेल लेने के बाद दूसरा इधर बहुत सारे एंट्रीज ओके थी, तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, दो तीन एंट्रीज बनी थी इधर, ओके, अभी जोन में नहीं आया मार्केट, वेटिंग फॉर कंफर्म, ओके, मैं भी मार्केट कम टू जोन, ओके, मार्केट जोन में आ चुका है, पहली एंट्री लग गई एज पर 1 मिनट, आपकी क्या लग चुकी है, एंट्री लग चुकी है, ओके, बट इधर क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल कैंडल, आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी, तो इधर अगर आप देखोगे, मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ, वेट अ मिनट, ओके, तो इधर अगर आप चेक करोगे हाईएस्ट कैंडल इन जोन, 1 मिनट के जोन में, दिस इज फर्स्ट हाईएस्ट कैंडल, स्वीप स्वीप एंड क्लोजिंग नीचे, तो ये क्या बन गया, SCOV, और ये बहुत छोटा जोन था,
5 पिप का भी इसमें टारगेट जोन नहीं था, तो आप रिस्क ले सकते थे। अच्छा खासा बड़ा लोड डाल के रिस्क ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अगर हिट भी हो गया तो कितना चला जाएगा एक्सटेंडेड में, ज्यादा कुछ नहीं, बस इससे थोड़ा ऊपर रखो। देखो 6 पिप का कर लेते हैं हम स्टॉप लॉस, 6 पिप का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट अगर ये भी ले लेते हो आप इसमें 20 पिप, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड देख लो 1:4 है। एंड वैसे भी आप कहाँ पे जाओगे, इसको फेल कर देगा तो ये वाला डिमांड बचा है, ओके तो ये डिमांड रहेगा, एंड इसको फेल कर देगा तो फिर आपके पास ये वाला डिमांड बचा है। एंड अब आप रिस्क रिवॉर्ड देख लो, 1:14 RR का आपका क्या है, रिस्क रिवॉर्ड है। तो इधर अगर मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ, जोन में आया, एंट्री दी, एंड आप सूट देख सकते हो, दिस इज सिंगल कैंडल ऑर्डर लॉक शूट। ओके, तो इस तरीके से जो मार्केट की मूवमेंट थी हमारी, कुछ इस तरीके से जो प्रीवियस में था हमारा मार्केट मूवमेंट किया है, हमारा जो मार्केट है इस तरीके से हमारा क्या किया है, मार्केट प्रॉपर तरीके से मूव किया है। मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि H1 भी चेक करना पड़ता है, बिकॉज H1 का अनमिटिगेट डिमांड था। अगर मैं इधर शिफ्ट करके दिखाता हूँ, ये डिमांड कैसे था ना, जो आपका चेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वी कैन वेट कि मार्केट हमारा एक्सट्रीम जोन में आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, बट एक्चुअल में मार्केट जोन में नहीं आया था। तो मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट जोन में नहीं आता और वो अनमिटिगेट छोड़ के आपका जोन को चला जाता है, तो क्या होता है, इन फ्यूचर जब मार्केट उस जोन में आता है तो क्या वर्क करता है, एज पर डिमांड ऑर्डर ब्लॉक, क्या करता है आपका डिमांड ऑर्डर ब्लॉक की तरह आपका वर्क करता है। तो सेम यहाँ पे वो ही हुआ था, H1 का डिमांड था मेन, जिस कारण M15 की सप्लाई को लेने जाना था उसने, और H1 डिमांड से हमें यहाँ पे ये जो इंड्यूसमेंट किया था चेंज ऑफ करेक्टर, एंड दिस जोन एक्ट लाइक अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर M5। ओके, इस तरीके से जो हमारा प्रीवियस का था मूव था। एंड दूसरा अभी हमारा M15 में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से हमारा M15 में आप देख सकते हो, ये M15 में हमारा ऐसे ऐसे लेवल्स थे, तो ये इस तरीके से हमारी मूवमेंट थी। एंड नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकती है, अगर हम S4 में देखते हैं, S4 में अगर हम चेकआउट करते हैं, सबसे पहले वेट अ मिनट, इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म, इंड्यूसमेंट हाई कंफर्म, स्विप, लॉजिन एंड लो। और ये H4 के भी डिमांड पे क्या है ना, ये H4 के भी डिमांड पे है, H4 के डिमांड पे, तो पॉसिबली मूवमेंट है कि मार्केट वापस अपर साइड जा सकता है। क्या मूवमेंट है, मार्केट वापस आपका अपर साइड जा सकता है इस लेवल तक, वापस पॉसिबली मूवमेंट H4 बेसिस पे। ओके, क्योंकि हुआ क्या है ना, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो सिंपल सा क्या हुआ है, मार्केट ने अपना ये वाला इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, मार्केट नीचे ब्रेक किया, दिस इज इंड्यूसमेंट, यहाँ से आपने बाय किया, बाय दिया, फिर मार्केट क्या हो गया, ये हाई तो कंफर्म कर चुका था, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, स्वीप कर लिया, तो यहाँ से सेलिंग होगी फॉर H4 बेस। ओके, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, अब मार्केट का H4 पे किस बेस पे, आपका H4 के डिमांड पे आ चुका है, एक्सट्रीम PIO पे, ये वाली जो एक्सट्रीम है, इस वाली एक्सट्रीम PIO पे मार्केट है, और ये ऑल आर लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है प्रॉपर, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट में भी गो टू हाई फर्स्ट दिस जोन एंड नेक्स्ट वन दिस, सॉरी दिस इज मिटिगेट, ये मिटिगेट हो चुका है, ये एक जोन बचा जो मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया, तो यहाँ पे वापस आ सकता है और फिर यहाँ से ड्रॉप दे सकता है अगर ये ब्रेक होता है। ओके, तो यहाँ से वापस बाइंग का हो सकता है कि M15 में क्या हो जाएगा आप लोगों का वापस, M15 में क्या हो जाएगा आप लोगों का वापस चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है, M15 में क्या हो सकता है वापस आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से ना आपको चेकआउट करना पड़ेगा सब कुछ, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सारा कुछ चेकआउट करना पड़ेगा, और सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ट्रेडिंग करना है कि ट्रेडिंग करनी है, करनी करनी है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये सब चीजें मैं आपको क्या हूँ ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोज में, विद एग्जाम्पल सब दिखा चुका हूँ, बस प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोगों के दिमाग में क्या है, बस ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। एंड दूसरा, ये एक ने क्वेश्चन पूछा था कि हम M15 का लो ले सकते हैं, तो आप में भी मार्केट क्या हो सकता है, अगर ये वाले डिमांड को फेल करके यहाँ तक आता है, मैं यहाँ तक आ जाए शायद, बट लगता नहीं है यहाँ तक आएगा, वापस अपर जाने के चांसेस है, मार्केट के अपर जाने के चांसेस है इधर इधर तक, क्योंकि H4 डिमांड है तो अपर जाने के चांसेस है, एंड अगर ये ब्रेक हो जाता है ये वाला डिमांड, हाँ यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ब्रेक इवन यूज करो क्योंकि कुछ पता नहीं है मार्केट कहाँ से। एंड दूसरी बात, वैसे भी ये 100 पिप आपको दे चुका है, तो इतना कुछ ना करो कि हाँ 500 500 पिप लेने की मूवमेंट कैच करने की कोशिश करो, जितना है सफिशेंट है,
तो इसी के साथ जो हमारा आज का वीकली वेबिनार था यहाँ पे कंप्लीट है। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वेबिनार पे, और ये वेबिनार रिकॉर्डेड है और ये अपलोड हो जाएगा, आप दोबारा देख सकते हो, जो लेट है जो नहीं है वो भी देख सकते हैं। एंड जिसको भी जो डाउट है डिस्कॉर्ड पे पूछ सकता है, उसको वहां पे क्लियर कर देंगे। एंड हम अपना क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, जैसे सैन सैन का सर का क्वेश्चन था, तो एनालिसिस उधर डाला करेगा, अलग अलग एनालिसिस जो हमारा है एक सर्वर, उस पर एनालिसिस डल दिया करेंगे। आप वहां पर चेक कर लेना, अपने साथ कंपेयर कर लेना। मैं डाला करूंगा 4 आवर H1 एंड 15 मिनट, बाकी आप खुद अपना वहां से मिला के चेक कर सकते हो, जो भी डाउट है उधर चेक कर सकते हो। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है कंप्लीट है, हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वेबिनार में।